और उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में यमुना किनारे की खादर की जमीन को प्लॉट दिखाकर दिल्ली एनसीआर के लोगों से लाखों की ठगी का मामला प्रकाश में सामने आया। वहीं खादर की जमीन की बिक्री के लिए बकायदा रविवार को टेंट लगाकर लोगों से एडवांस भी लिया और पहले आओ लाभ पाओ का लालच दिया गया। मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम, एमवीडीए, नगर निगम और पुलिस को देख आरोपी यहां से भाग निकले। पुलिस ने मौके से एक स्कॉर्पियो, टेंट का सामान और लैपटॉप कब्जे में लिए। बताया जा रहा है कि दिल्ली के आई एंड सन्स बिल्चेक प्राइवेट कंपनी के लोगों ने दिल्ली एनसीआर में सोशल मीडिया के हाथ होर्डिंग्स लगाकर वृंदावन के देवराहा, बाबा घाट, कुंभ मेला क्षेत्र के पास अच्छे और सस्ते दामों में प्लॉट देने का ऑफर दिया। कंपनी ने विज्ञापन में वृंदावन नगर बसाने का प्रचार सोशल मीडिया पर चलाया और प्रचार देकर लोग लालच में आ गए और सैकड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2100 रुपए तक जमा करा दिए। एसडीएम इंद्रनंदन सिंह ने कहा कि पानीगांव खादर की जमीन पर प्लॉट की सूचना पर जब हम पहुंचे तो आई एंड सन्स बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का मालिक इमरान मौके से भाग गया। ये जमीन खादर के साथ डूब क्षेत्र है, यहाँ प्लॉटिंग हो नहीं सकती, फिर भी कुछ लोग फर्जी तरीके से जमीन पर प्लॉट काटकर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। मामला तो हमने जी सुनी साहब, प्लॉट बिक रहे हैं तो हमें भी कोई मिले कि वहाँ देख के आओ साइड पे, तो हम साइड पे देख के आए तो वास्तव में वहाँ कैंप लग रहा, बहुत हजार हो गया तादाद में आदमी और बुकिंग चल रही प्लॉटन की। कितने रुपए बुकिंग है? 2100 रुपये जमा कर रहे। तो हमारे एक आध लोग मिलवे बारे भी हमने उनसे मैंने कही भैया जगह कछु लफड़ो झफड़ो है या छानबीन कर लो तब लियो। पर एक बाबा है हमारे संघ के, वो राधा रमण जी में आमे दर्शन कर रहे तो उन्होंने भी बुक कर दियो। अब बाद में हम तो सूचना देवे जा रहे हैं, हमने की जो सूचना करें पुलिस को कछु का लफड़ो है भाई, सही बात तो पता चले कि वृंदावन में इतनी सस्ती जमीन मिला है, क्योंकि प्लॉट तो हमें भी चाहिए एक, हम भी ले लेते। 7700 रुपये आपको रेट बताया। फिर जब पुलिस आई है तब बदल मची है, तब जो बंदा बुद्ध होगी जी मामला ऐसे ही है।